सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, 125 सीसी का जो सेगमेंट है इंडियन मार्केट में बूम पे है, जो यंगस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव करती है 125 सीसी के सेगमेंट की बाइक। इसमें आपको जो है माइलेज मिल जाता है, थोड़े बहुत लुक्स मिल जाते हैं, पावर भी ठीक ठाक मिल जाता है, सिटी के अकॉर्डिंग भी आप जो है इसको यूज कर सकते हो और लॉन्ग राइड पे भी ले जा सकते हैं। और मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूं कि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग 125 सीसी के सेगमेंट में अगर कोई बेस्ट बाइक है तो वो है टीवीएस की रेडर 125। लेकिन इसकी एक कंपिटेटिव बाइक आती है होंडा की एसपी 125, उसने कुछ ऐसा कर दिखाया और टीवीएस की रेडर 125 को पछाड़ के निकल गई सबसे आगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेल्स यूनिट की। तो फेब 2022 में जो होंडा की एसपी 125 है वो सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक रही है इंडियन मार्केट में 125 सीसी में। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े ऐसे हैं कि जो उसकी सेकंड नंबर की बाइक है वो उससे आधी यूनिट्स भी सेल आउट नहीं हुई है। तो उसी के बारे में जो अपन आज बात करने वाले हैं कि क्या सच में 125 सीसी के सेगमेंट में एसपी 125 अभी भी किंग है और इतनी ज्यादा इसकी सेल क्यों होती है। तो वीडियो देखना पूरा एंड तक। उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो और इसी तरह का बाइक से रिलेटेड कॉन्टेंट देखना पसंद है तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन कर दीजिए ऑल, ताकि इसी तरह का बाइक से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे। तो भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि फेब 2022 में कितनी कितनी बाइक्स की क्या क्या सेल यूनिट हुई है इंडिया में। और जो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे वो है होंडा की एसपी 125 और शाइन का कंबाइंड यूनिट, बस इसमें जो है 75% ऑलमोस्ट 70-75% जो है वो एसपी 125 की यूनिट्स है जो सोल्ड आउट हुई है इंडियन मार्केट में 125 सीसी में। तो आप देख सकते हो यार, मैं हमेशा कहता हूँ वैसे टीवीएस रेडर 125 125 सीसी के सेगमेंट में हाल फिलहाल किंग है, लेकिन फिर भी जो है होंडा एसपी 125 की सेल इतनी ज्यादा है। तो यार, होंडा एसपी 125 में आपको क्या है, एक तो होंडा का ट्रस्ट मिल रहा है, लॉन्ग लास्टिंग इंजन मिल रहा है, होंडा की जो ड्यूरेबिलिटी है ना उसने लोगों का विश्वास जीता हुआ है। इसी का जो है कारण रहा है कि होंडा की एसपी 125 इतनी ज्यादा सेल होती है। पीछे का एक रीजन ये भी है कि जो टीवीएस की रेडर 125 है उसका वेटिंग पीरियड इतना ज्यादा होने के कारण जो ऑडियंस है वो मूव कर जाती है होंडा की एसपी 125। लेकिन यार, होंडा ने ट्रस्ट जो है इंडियन मार्केट में बनाया हुआ है, आपको लॉन्ग लास्टिंग इंजन मिलता है, आपको हर एक पार्ट्स हर एक कंपोनेंट जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला जो है होंडा अपना देती है। तो यही है अपना आज का वीडियो कि यार होंडा एसपी 125 और सीबी शाइन 125 ने 125 सीसी के मार्केट में किंग अभी भी है, लोगों का अभी भी ट्रस्ट बना हुआ है। इसमें आपको जो है यार माइलेज सबसे बेस्ट मिल जाता है और 125 सीसी के सेगमेंट की बाइक जब लोग खरीदते हैं तो सबसे पहले माइलेज ही देखते हैं कि भाई माइलेज कितना देगी, क्योंकि मोस्टली 125 सीसी के सेगमेंट की बाइक जब आप खरीदते हैं तो आप उसको सिटी यूज में ही लेंगे, आप ज्यादा जो है लॉन्ग राइड और हाईवे राइड इतनी नहीं करेंगे। तो सिटी राइड में जब आप बाइक यूज करेंगे तो फॉर श्योर आपका सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा माइलेज। तो 125 सीसी के सेगमेंट में सबसे बेस्ट माइलेज जो आपको देती है भाई वो देती है होंडा की एसपी 125। रेडर 125 की तो इसमें पावर आपको ज्यादा मिल रही है, टायर साइज बड़ा है, तो रोड स्टेबिलिटी अच्छी है, ब्रेकिंग अच्छी है, माइलेज मैं मानता हूं थोड़ा कम होगा एसपी 125 से, पर लुक्स वगैरह काफी है और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक बेस्ट बाइक है। लेकिन फिर भी भाई फिर भी आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि होंडा एसपी 125 मोस्ट सेल्ड बाइक रही है 2022 फरवरी में, और इसीलिए जो है अभी भी लोगों का विश्वास बना हुआ है होंडा एसपी 125 पे। और एसपी 125 जो है 125 सीसी के सेगमेंट में अभी भी इंडियन मार्केट में जो है किंग बनी हुई है। बाकी आपका क्या कहना है, आपको कौन सी बाइक जो है ज्यादा पसंद है, रेडर 125 या फिर एसपी 125, आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो इन दोनों में से बाइक खरीदने का तो आप कौन सी बाइक जो है परचेज करना चाहोगे। मेरी तो पर्सनल फेवरेट रेडर 125 है, आप लोग को पता है मेरे पास भी है जो है एसपी से ज्यादा मिल रही है। तो यही था अपना आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।